तो दोस्तों, अब तक हम कई सारे सुपर हीरोज के बारे में बात कर चुके हैं, पर आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो सबसे अलग और बहुत खतरनाक सुपर हीरो है। डेडपूल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे हीरोज भी कांप जाते हैं। इस कैरेक्टर ने न सिर्फ कॉमिक्स में धूम मचाई बल्कि इसने मूवीज में भी धमाल किया है। अगर आप डेडपूल को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम बात करेंगे डेडपूल की ओरिजिन और पावर्स के बारे में, तो आइए देखते हैं। वैसे तो कॉमिक्स में डेडपूल की ओरिजिन कभी ठीक से बताई नहीं गई है और उसकी स्टोरी को बार बार चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ हम उसकी सबसे फेमस ओरिजिन की बात करेंगे जो कि 2016 की डेडपूल मूवी में भी दिखाई गई है। ये कहानी है वेड विल्सन नाम के एक आदमी की, जिसका जन्म कनाडा के एक शहर में हुआ था। और जैसा कि कई लोगों के साथ होता है, ठीक वैसे ही वेड का बचपन भी काफी तकलीफ में गुजरा। फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो मिलिट्री में शामिल हो गया। वैसे तो वेड एक बहुत ही बढ़िया सोल्जर था, लेकिन फिर भी उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो हर वक्त मजाक और लोगों की बेइज्जती करता रहता है, इसीलिए उसे मिलिट्री से निकाला गया। इसके बाद वेड एक मर्सिनरी बन गया, मतलब एक किराए का गुंडा। उसने पैसों के लिए लोगों को मारने का काम शुरू किया। वेड की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसे कैंसर हो गया। कैंसर उसकी बॉडी के कई पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज कैंसर, जिसका इलाज नामुमकिन था। फिर वेड कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो कि उसका कैंसर ठीक करने की बात करते हैं। वो उनकी बात मानकर वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल होता है, जहां उसकी बॉडी में एक सीरम डाला जाता है। कॉमिक्स में वेड की बॉडी में वुल्वरिन का डीएनए डाला गया था, जिससे वो एक म्यूटेंट बना था। लेकिन मूवी में ये दिखाया गया है कि एक सीरम की वजह से वेड के अंदर का म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हुआ, जिससे उसकी बॉडी में जबरदस्त हीलिंग पावर आ गई। अब वो बीमारी से नहीं मर रहा था, लेकिन यहाँ एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गए। हालांकि अब हीलिंग पावर की वजह से कैंसर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन इससे उसकी पूरी बॉडी की स्किन बहुत खराब हो गई। वेड का कैंसर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो हीलिंग पावर की वजह से कंट्रोल में आ गया था। अगर उसकी पावर काम करना बंद कर दे तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग सुपर हीरो इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है। मतलब डेडपूल ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है। डेडपूल को कॉमिक्स में एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उसे एक मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर विलन से सुपर हीरो नहीं बना, बल्कि वो एक एंटी हीरो बन गया। एंटी हीरो का मतलब है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके इरादे तो हीरो के जैसे है, मगर उसके काम करने का तरीका विलन के जैसा है। डेडपूल किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, वो अपने अलग अंदाज में काम करता है और वो बहुत खून खराबा करता है। डेडपूल की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी ये है कि वो कभी चुप नहीं रहता। वो हमेशा मजाक करता रहता है और वो हर किसी की बेइज्जती करता है। म्यूटेंट बनने से पहले भी वेड विल्सन बहुत मजाकिया था, लेकिन पावर्स मिलने के बाद वो और भी सनकी हो गया। अब बात करते हैं डेडपूल की पावर्स के बारे में। डेडपूल के पास एनहांस स्ट्रेंथ है। म्यूटेंट बनने के बाद वेड विल्सन की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुकी है। हालांकि वो दूसरे बड़े सुपर हीरोज जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो बड़े बड़े फाइटर्स को आसानी से हरा सकता है। वो कई पावरफुल म्यूटेंट से निपट सकता है। यहाँ तक कि वो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है। उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो आसानी से घायल नहीं होता। वो कई तरह के फोर्स को झेल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि डेडपूल को दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए अगर उसे चोट लग भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडपूल की सबसे खास पावर है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। उसकी बॉडी हर तरह की इंजुरी को ठीक कर सकती है। छोटे मोटे जख्मों से यहाँ तक कि बंदूक की गोलियों की चोट से भी वो पल भर में ठीक हो जाता है। अगर उसका कोई बॉडी पार्ट कट भी जाए तो उसकी बॉडी उस ऑर्गन को पूरी तरह रीजनरेट कर लेती है, मगर इस रीजनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। डेडपूल की हीलिंग पावर उसके मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करती है। अगर वो अच्छे मूड में है तो उसकी ये पावर काफी फास्ट हो जाती है। डेडपूल की इस हीलिंग पावर की वजह से उसे इमॉर्टल यानी अमर माना जाता है। उसे जान से मारना बहुत मुश्किल है। जब तक उसका सर सलामत है, तब तक उसकी बॉडी बार बार पूरी तरह ग्रो कर सकती है। कुछ कॉमिक्स में तो डेडपूल की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो अपने सेल्स से ही जिंदा हो गया था। एनहांस स्पीड। हालांकि डेडपूल सुपरमैन या फ्लैश जितना फास्ट नहीं है, लेकिन वो किसी एथलीट के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज है। वो गन फायर से आसानी से बच सकता है। वो किसी भी हमले से पहले ही संभल जाता है और वो तेज चलती हुई गाड़ियों में भी लोगों को ठोक सकता है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना। डेडपूल का स्टेमिना बहुत ज्यादा है। वो कितनी भी देर तक लड़ाई करने पर जरा भी नहीं थकता। इसके अलावा उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता, ना ही वो कभी बीमार पड़ सकता है। ये सब तो हुई डेडपूल की सुपर पावर्स की बात, लेकिन इस सब के अलावा भी उसमें कई सारी एबिलिटीज है। डेडपूल एक कमाल का फाइटर है। वो कई तरह की फाइटिंग स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट है। वो हर तरह के हथियार चला सकता है, बंदूक से लेकर तलवार तक, और वो एक अच्छा निशानेबाज भी है। डेडपूल की एक और खासियत ये है कि वो कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज है। वेड विल्सन पहले से ही बहुत होशियार था,
लेकिन म्यूटेंट बनने के बाद उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका है। वो कब क्या करने वाला है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, इसीलिए उसे हरा पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी डेडपुल की ओरिजिन और पावर्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.